हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आधार कार्ड कैसे बनेगा, तो मैं आज आप लोगों को आधार कार्ड बनाने के लिए ही आज पूरे प्रोसेस बताऊंगा कि आधार कार्ड बनवाने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आधार कार्ड पर अब कुछ शर्त नियम आ गए, क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं बनवा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले साइबर कैफ में जाना पड़ेगा, वहाँ पर बोलना पड़ेगा साइबर कैफ वाले को कि सर मेरा अपॉइंटमेंट निकाल दीजिए, मेरे को आधार कार्ड न्यू बनाना है। तो आपको आधार कार्ड के लिए अपॉइंटमेंट बनाने के लिए आपको बोला जाएगा। तो सबसे पहले उसमें है आप लोगों को अपॉइंटमेंट निकालवाने के लिए अपने मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, जिस पे आप लोगों को OTP आएगा। तो मैं आप लोगों को वही चीज़ सारा चीज़ पूरे डिटेल्स में ये बताकर मतलब दिखाने वाला था, लेकिन अब अगले वीडियो में दिखा दूंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल्स आप लोगों को दे रहा हूँ। तो अपॉइंटमेंट वहाँ पर आपको मोबाइल में चलिए वेरिफिकेशन कर दीजिएगा, वहाँ से अपॉइंटमेंट आप लोगों को लेटर मिल जाएगा। उस अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आपको आधार केंद्र पर जाना होगा, वहाँ पर जिस नाम से आप लोगों को है आप लोगों को बनाना होगा, और सारे चीज़ वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेते खाने ही भर देगा। जैसे आप लोगों का क्या आईडी लगेगा, उसमें आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी है, आपको बहुत सारे उसमें बहुत 22-23 ऑप्शन उसमें आप लोग क्या देते हैं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट जब लेने के बाद आप लोग काउंटर पे जाइएगा, काउंटर पे जाने के बाद एक स्लिप मिलेगा, उसके बाद आप लोगों को कुछ देर वेट करना पड़ेगा। हम उस आधार सेवा केंद्र की बात बोल रहे हैं जहाँ जैसे पटना में बहुत बड़ा है, वहाँ पर चले जाइएगा तो वहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर मानते हैं आप लोग जिला में है, कहीं पर आप लोगों को जिला में वो खोल रखा है, वहाँ पर स्लिप कार्ड सारे चीज़ नहीं देगा। तो आप लोगों को मैं उस आधार कार्ड की सेवा केंद्र की बोल रहा हूँ, वहाँ पर जाइएगा, आपको स्लिप कुछ देर आप लोगों का वेट होगा, और TV स्क्रीन पर आप लोगों का नंबर आएगा, वहाँ पर बोला आठ होगा। फिर उसके बाद आप लोगों के फिर वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को वो सारे चीज़ पूरे ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पर मांगा जाएगा। उस पर आप लोगों को जो भी नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, जो भी चीज़ होगा, वो सारे चीज़ उसमें फिर से फिलअप कर दिया जाएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोगों को फिर काउंटर पर भेजा जाएगा। फिर वहाँ से आप लोगों को जो भी आपको टोकन नंबर मिला था, फिर आप लोगों को जो भी वहाँ स्टाफ लोग अगर उस प्रिंट करते हैं, जहाँ पर आप लोगों की अंगुली का होता है, आई का होता है, वो सारे चीज़ वो आप लोगों को आवाज़ देंगे, या आप लोगों को वो TV स्क्रीन पर आप लोगों को नंबर आएगा, फिर वहाँ से नंबर आप लोगों को बुलाहट होगा, फिर आप लोग वहाँ पर जाइएगा, सारे प्रोसेस आप लोगों को होगा। फिर वहाँ पर आप लोगों के सामने एक कंप्यूटर रहेगा, वहाँ पर आप लोगों को लगा दिया जाएगा, जो वहाँ पर बगल में एक जो आपको स्टाफ है, वो अपना सारे फॉर्म जो है फिलअप करते नजर आएंगे, और आप लोगों को मतलब स्क्रीन सामने चलता रहेगा, वो आप लोगों को बार बार डिक्लियर से पूछेंगे कि जो मैं भर रहा हूँ वो आप लोगों बिल्कुल सही है, आप लोगों को अगर सही लगेगा तो यस कीजिएगा, और जहाँ पर आप लोगों की अगर लगेगा कि नहीं यहाँ पर गलत है तो आप लोग वहाँ पर गलत बताइएगा, वहाँ जो कि सुधार, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ है, आपको नाम है, एरिया है, एड्रेस है, सारे चीज़ पूरे फिलअप करने के बाद आप लोगों को ओके होगा। फिर आई का लिया जाएगा, आप लोगों के हाथ का जो फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को पूरे डिटेल्स पे सिग्नेचर करवाया जाएगा कि आप लोग मतलब ये आप लोगों को बन गया, तो फिर आप लोग सिग्नेचर अपना कर दीजिएगा। फिर आप लोगों वहाँ से आप एक प्रूफ के तौर पर आप लोगों को जो फिंगरप्रिंट देते हैं उसका प्रूफ के तौर पर एक रसीद मिलेगा आप लोगों को, वो लेकर आप अपने घर पे चले जाइएगा, आपका आधार कार्ड बन गया। अब बेसिक आता है कि आपको आधार कार्ड वहाँ से आप 15 दिन से आपको 3 महीना के अंदर आप लोगों को घर पे उसी एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी अगर किसी वजह से काम रुका हुआ है कि आधार कार्ड नहीं है, तो आप 7वें दिन से वो आधार कार्ड आप किसी साइबर कैफ में जाइएगा, बोलिएगा उस नंबर स्लिप को दीजिएगा, वहाँ पर आप स्लिप को लेकर जाइएगा, आधार कार्ड आप लोगों को निकाल कर दे देगा। तो ठीक है दोस्त, मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, और भी अगर कोई अगर पैन कार्ड आधार कार्ड अगर पूरे अगर कोई चीज़ का अगर आप लोगों के अगर क्वेश्चन आए तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर आप लोगों को वीडियो बना दूंगा, और जिससे आप लोगों को सारे लाभ मिल सकते हैं। तो मैं लेता हूं विराम, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।